अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हाइफ़ा किचन में खुश आमदीद। आज हम दम भिंडी बनाने जा रहे हैं। दम भिंडी बनाने के लिए आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून छोटा छोटा बारीक कटा हुआ लहसुन ले लेंगे। ये पांच टमाटर हैं, हम इसको ऐसे स्क्वायर पीसेस में छोटा छोटा काट लेंगे। तीन अदद प्याज है, इसको भी हम ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे, पतला पतला। शिमला मिर्च ली है, इसको हम ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे, दो अदद ली हैं हमने। ये तीन पाव भिंडी है, इसको भी हम लंबा लंबा काट लेंगे। हाफ़ कप ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम पतीली के अंदर ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हम तलेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसको अलग प्लेट से निकाल लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। प्याज निकालने के बाद हम इसी तेल के अंदर ज़ीरा और लहसुन डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद तमाम मसाले डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज की तरह हम भिंडी भी तल लेंगे, मगर भिंडी को हम ज़्यादा नहीं तलेंगे, थोड़ा सा तल के निकाल लेंगे। भिंडी को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे इतना कि ये क्रिस्पी हो जाए थोड़ी सी। इसको फ्राई करने का रीज़न ये है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाती है, जो स्टिकीनेस इसके अंदर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। टमाटर भी अब अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और तेल भी अलग हो चुका है टमाटरों में से। टमाटर जब भुन जाए तो अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो हमने तल के रखी थी, इस तरीके से बिछा देंगे। प्याज के बाद हम इसी तरीके से भिंडी भी डालेंगे। भिंडी डालने के बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च बिछा देंगे। और इसको धीमी आंच पे हम दम पर रख देंगे। इसको हमने धीमी आंच पे रख दिया है और 10-15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम चेक करेंगे, शिमला मिर्च थोड़ी सी नरम हो चुकी है और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ऐसे करेगा मिक्स कि ये टूटे नहीं।
भिंडी अब तैयार हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी मज़ेदार दम भिंडी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मज़ेदार है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरा पेज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।